नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन। आज ट्रिगोनमेट्री का सेकेंड क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुका है, जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा है वो पहले जा कर के फर्स्ट क्लास देखे और फिर इसके बाद सेकेंड क्लास देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पीछे हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी और पूछा गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सॉल्व करेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा और हम लोग को वैल्यू दिया है टेन थीटा का। टेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा ये बराबर होता है साइन बाय कोस, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो यहाँ से हम लोग टेन का मतलब ये हो गया साइन और ये हो गया कोस। तो जहाँ जहाँ पे साइन दिख रहा वहाँ ए लिख देंगे, जहाँ कोस दिखा वहाँ पर बी। साइन का मतलब ए माइनस कोस का मतलब बी, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू फोर बाय फाइव और पूछा है थ्री साइन थीटा प्लस फाइव कोस थीटा डिवाइड बाय फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। सॉल्व करेंगे यहाँ से साइन का वैल्यू अगर हम देखें कि साइन का वैल्यू दिया है फोर बाई फाइव। साइन का मतलब होता है पी बाई एच, ये है पी और ये है एच। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बी, बी कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। निकालने का तरीका बता चुके हैं बी कैसे आता है पिछला क्लास में, इसको देख सकते हैं आप लोग। सॉल्व करेंगे थ्री इंटू साइन थीटा, साइन का मतलब होता है पी बाई एच, तो पी है फोर और एच है फाइव प्लस फाइव इंटू कोस थीटा, कोस का मतलब होता है बी बाई एच यानी कि थ्री बाई फाइव डिवाइड बाय फाइव साइन यानी कि पी बाई एच फोर बाई फाइव माइनस थ्री इंटू कोस यानी कि बी बाई एच यानी थ्री बाई फाइव। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा तीन चौके बारह बट्टा में पाँच प्लस ये पाँच से ये पाँच ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा तीन डिवाइड बाय, यहाँ से सॉल्व करेंगे ये पाँच से पाँच ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा चार माइनस तीन तिया नौ बटा में पाँच। सॉल्व करेंगे यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग इसका एलसीएम एक मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका एक मान करके एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा पाँच, ये हो जाएगा बारह प्लस पाँच तिया पंद्रह डिवाइड बाई इसका एलसीएम लेंगे तो पाँच, ये हो जाएगा बीस माइनस नौ। इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो यह आ जाएगा बारह और पंद्रह यानी कि सत्ताईस बटा में पाँच और ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा पाँच बटा में बीस माइनस नौ यानी कि ग्यारह। पाँच से पाँच ख़त्म तो आंसर आ जाएगा सत्ताईस बटा में ग्यारह, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री, पूछा है वन प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सॉल्व करेंगे टेन का वैल्यू होता है पी बाई बी, यहाँ से एच निकाल लेंगे एच कितना आ जाएगा पाँच, अब बैठा देंगे वन प्लस साइन का मतलब पी बाई एच फोर बाई फाइव प्लस कोस यानी कि बी बाई एच थ्री बाई फाइव डिवाइड बाय वन प्लस साइन यानी कि पी बाई एच माइनस कोस यानी कि बी बाई एच। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा पाँच, यहाँ से हो जाएगा ये पाँच प्लस चार प्लस तीन। नीचे का अगर एलसीएम लेंगे तो पाँच, तो ये हो जाएगा पाँच प्लस चार माइनस तीन।
सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और 3 12 बटा में 5, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 डिवाइड बाय 5 4 9 माइनस 3 यानी कि 6, 5 से 5 ख़त्म, 6 से ये 6 2 12 आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 5/3 और पूछा है 2+3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में 2-3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। वैल्यू बैठा देंगे, सेक का मतलब होता है एच बाई बी, ये हो गया एच और ये हो गया बी, तो यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी कितना आ जाएगा 4, बस वैल्यू बैठा देंगे 2+3 इंटू साइन यानी कि पी बाई एच 4/5 प्लस कोस यानी कि बी बाई एच 3/5 बटा में 2-3 इंटू साइन मतलब पी बाई एच 4/5 प्लस 4 इंटू कोस बी बाई एच यानी कि 3/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2+3 4 12 बटा में 5+3/5, यहाँ से हो जाएगा 2-4 3 12 बटा में 5+4 3 12 बटा में 5। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, तो हो जाएगा 2 5 10+12+3 डिवाइड बाय, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 2 5 10-12+12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और 12 22 और 3 25/5, ये ऊपर चला जाएगा 5, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये -12 + 12 ख़त्म हो जाएगा यानी आ जाएगा 10। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 ख़त्म, 25/10 यानी ये कितना हो जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/3 और पूछा है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करेंगे तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 sin theta + 3 cos theta इक्वल टू 5 sin theta - 5 cos theta। साइन को साइन तरफ कर देते हैं और कोस को कोस की तरफ, तो ये 3 sin उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 sin theta, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 cos theta। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8। अब ये साइन थीटा कोस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा और इधर बचेगा कितना 4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है टेन थीटा, साइन बाय कोस यानी कि 10, तो 10 थीटा इसका वैल्यू कितना आ गया 4, और यही हमसे पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 3 tan theta इक्वल टू 4 और पूछा है 4 cos theta - sin theta बटा में 2 cos theta + sin theta। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 10 theta = 4/3। 10 का मतलब हम लोग को पता है, 10 का मतलब क्या होता है साइन बाय कोस, तो जहाँ अगर हम लोग को साइन दिख रहा है वहाँ 4 लिख देंगे और जहाँ कोस है वहाँ पे 3, 4 × cos यानी कि 3 - sin यानी कि 4 बटा में 2 cos यानी कि 3 + sin यानी कि 4, दिया जाएगा 4 3 12 - 4 यानी कि 8 बटा में 2 3 6 और 4 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 4 8 2 5 10 4/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 3 cot theta = 2 और पूछा है 4 sin theta
माइनस थ्री कोस थीटा बटा में टू साइन थीटा प्लस सिक्स कोस थीटा। सॉल्व करेंगे कोट थीटा इक्वल टू टू बाई थ्री। कोट का मतलब होता है टेन का उल्टा, टेन होता है पी बाई बी, या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे टेन का मतलब क्या होता था साइन बाई कोस, तो कोट क्या हो जाएगा कोस बाई साइन। तो यहाँ से हम लोग कोट और साइन का वैल्यू बिठा देंगे, फोर साइन का मतलब थ्री माइनस थ्री इंटू कोस, कोस का मतलब टू बटा में टू इंटू साइन थ्री प्लस सिक्स इंटू कोस यानी कि टू। तो यहाँ से आ जाएगा चार दिया बारह माइनस दो तिया छः, तो बारह माइनस छः यानी कि छः डिवाइड बाय दो तिया छः और छः दूना बारह, तो बारह और छः अट्ठारह, आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू बीस बाय इक्कीस पूछा है, वन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में वन प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सॉल्व करेंगे यहाँ से टेन का मतलब होता है पी बाई बी, ये है पी ये है बी, तो यहाँ से एच निकल जाएगा, एच कितना हो जाएगा 29। देखिए एक तो तरीका है एच निकालने का, कैसे निकालेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और या तो फिर ये एक ट्रिपलेट बनता है 20 21 और 29 का, ये एक ट्रिपलेट है यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू 29 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन यानी कि पी बाई एच, तो पी हो गया 20 बटा में 29 प्लस कोस यानी कि बी बाई एच 21 बटा में 29, वन प्लस साइन पी बाई एच प्लस कोस यानी कि बी बाई एच। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे 29, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21, इसका एलसीएम ले लेंगे 29, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 और 21 50 50 माइनस 20 ये हो जाएगा 30 बटा में 29, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 29 डिवाइड बाय 29 और 21 50 50 और 20 70। सॉल्व करेंगे ये 29 29 ख़त्म, ये 0 से 0 ख़त्म, तो आंसर आ जाएगा 3/7। आगे देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 13/12 पूछा है, वन माइनस टू साइन थीटा प्लस थ्री कोस थीटा बटा में वन प्लस साइन थीटा माइनस टू कोस थीटा। सॉल्व करेंगे इसको, कोसेक हम लोग को वैल्यू दिया है और ये इतना सारा पूछा है, कोसेक का मतलब होता है एच बाई पी, ये है एच और ये है पी, तो यहाँ से बी निकाल लेंगे, बी कितना जाएगा 5। बी निकालने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और या तो फिर ये एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 और 13 का, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, 13 12 दिया हो तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, वन माइनस टू इंटू साइन पी बाई एच, ये हो जाएगा 12 बटा में 13 प्लस थ्री इंटू कोस यानी कि बी बाई एच, ये हो जाएगा 5 बटा में 13, वन प्लस साइन यानी कि पी बाई एच माइनस टू इंटू कोस यानी कि बी बाई एच। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा वन माइनस 12 दूना 24 बटा में 13 प्लस 3 5 15 बटा में
13, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 12/13 माइनस 5 × 10/13। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13 - 24 + 15, इधर ये आ जाएगा 13 + 12 - 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 15 यानी कि 28 - 24, ये हो जाएगा 4/13। और इसको ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 13 बटा में 13 और 12, 25 - 10 यानी कि 15। तो ये 13 से ये 13 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/15। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।